नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बस्ती बस्ती, नगरी नगरी, और मैं हूं आपके साथ जी। बाराबंकी में घाघरा नदी पूरे उफान पर है। घाघरा से होने वाले कटान की वजह से यहां एक स्कूल आधा नदी पर और आधा जमीन पर अटका हुआ है। दरअसल फतेहपुर तहसील के सूरतगंज में प्राथमिक स्कूल है, जिसका एक बड़ा हिस्सा कटान की वजह से घाघरा में पहुंच गया है। स्कूल की हालत से बच्चे और टीचर सब सख्ते में है। डर इस बात का रहता है कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। हालांकि कटान ज्यादा होने के बाद अब खुले आसमान के नीचे बच्चों की पाठशाला चल रही है। आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, जी संगम पर आप देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, किस तरह से ये स्कूल कटान की भेंट चढ़ गया है और नीचे से इसका पूरा का पूरा आधार गायब हो चुका है, कटान में बह चुका है, नदी के ऊपर ये स्कूल लटका हुआ है। इसलिए पढ़ने आए। कौन काट रहा है स्कूल को? नदी। कौन सी नदी है? घाघरा। घाघरा काट रही। अच्छा, ये बताओ वहाँ से और यहाँ में क्या फर्क? कोई फर्क नहीं। क्यों, बारिश वगैरह आ गई तो भीगोगे नहीं यहाँ पे? भीगेंगे। तो फिर यहाँ कोई फर्क नहीं नजर आ रहा तुमको? हमारा विद्यालय नदी के कटान से कट रहा है और उसमें का एक कमरा हमारा ढहने वाला है, इसलिए हम वहां से अपना विद्यालय उठाकर मोहम्मद ताहिर के यहां दरवाजे पर लगा रखा हूं, जहां खुले आसमान के नीचे बच्चों को पढ़ाया जाता है। अगर पानी वगैरह बरसता है तो बच्चों को थोड़ा रुकने की व्यवस्था है छप्पर के नीचे। हमारे खंड शिक्षा अधिकारी से आश्वासन मिला है कि कुछ इंतजाम किया जाएगा, तब तक के लिए यहाँ विद्यालय चलाया जाए। घाघरा नदी में जलस्तर बढ़ने से जहां किसानों की कई बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है, वहीं बच्चों के स्कूल पर ग्रहण लग गया है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं घाघरा के तांडव को, इससे समझा जा सकता है घाघरा से हुए कटान की वजह से प्राइमरी स्कूल का एक बड़ा हिस्सा इस कटान की भेंट चढ़ गया है। इन तस्वीरों में देखिये जो खबर हमने दिखाई आपको, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई। और अब दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं स्कूल के छात्रों और अध्यापकों के डर की है। घाघरा के तांडव के चलते बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। और बड़ी खबर इस वक्त कौशाम्बी से है। यहां एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में जलकर मौत हो गई है। महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। यह आरोप है कि दहेज की खातिर महिला की हत्या की गई है। कौशाम्बी के जाठी गांव का यह मामला है, पुलिस मौके पर मौजूद है। तो कौशाम्बी से ये बड़ी खबर, यहां एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में जलकर मौत हो गई है। महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर इस हत्या का आरोप लगाया है। आरोप है कि दहेज की खातिर महिला की हत्या की गई है। कौशाम्बी के जाठी गांव का ये मामला है और पुलिस मौके पर मौजूद है। अजय चित्रांश हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अजय, क्या बताया जा रहा है, महिला के परिजन जिस तरीके से ससुराल वालों पर आरोप लगा रहे हैं, पुलिस ने इस बारे में क्या मामला दर्ज किया है, क्या गिरफ्तारियां शुरू की हैं? जी अजीत, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला कौशाम्बी थाना क्षेत्र के जाठी गांव का है, जहां पर एक विवाहिता तकरीबन 1 बजे घर में अकेले थी और संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी जल करके मौत हो गई, जिसके बाद गांव के लोगों ने जब उसके मायके पक्ष के लोगों को बताया कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है और जल करके मौत हुई, तो वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने सीधे तौर पर ससुराल वालों पर दहेज मांगने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की। फिलहाल पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर हैं, वो जांच कर रहे हैं। अभी तक किसी तरह की तहरीर नहीं दी गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि देर शाम तक दहेज का मुकदमा इस पूरे मामले पर दर्ज किया जा सकता है। जी अजीत, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। बरेली में मंचलों के खौफ के चलते 150 छात्राओं ने स्कूल जाना बंद कर दिया था। अब इस मामले में जी संगम की खबर का असर हुआ है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया, जबकि 3 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। नदी है, नदी में कुछ लड़के नहाते थे, तो वहाँ से स्कूल जाती हुई लड़कियाँ गुजरती थी, तो उनका आरोप था कि ये लड़के कुछ अश्लील हरकत करते हैं। तो उन्होंने जो ही हमें प्रार्थना पत्र दिया, तुरंत हमने मुकदमा लिखा
और उन्होंने 5 लड़कों को नामजद आरोपित किया, 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, 5 लोगों को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। लखनऊ से खबर है, मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने अपनी जान को खतरा बताया है और कहा है कि अमरमणि त्रिपाठी की तरफ से उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं और निधि शुक्ला ने कहा है कि उनकी सुरक्षा के लिए जो गनर दिया गया है उसे भी वर्दी नहीं दी गई है। निधि शुक्ला ने सारा की भी हत्या की आशंका जताई है। निधि शुक्ला ने यह भी कहा है कि कोर्ट ने माना था कि अमरमणि का यूपी में रहना ठीक नहीं है। हालांकि उम्र कैद होने के बाद भी अमरमणि इलाज के बहाने 2007 से लेकर 2015 तक यूपी में ही रहा और यूपी सरकार पर भी कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का आरोप निधि शुक्ला ने लगाया है। क्या आपके आरोप हैं? और जिस तरह से अब सारा की हत्या हुई है, केस दर्ज हुआ है अमरमणि के ऊपर और अमरमणि के ऊपर भी नाम आ रहा है कि उनका हाथ हो सकता है, आप मानती हैं कि वो यूपी में है इसलिए ऐसा हो रहा है? जी, ये अभी नहीं, करीब जब 3-4 सालों से मैं बराबर इस बात को कह रही हूँ कि अमरमणि का यूपी में रहना एक बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसका रसूख है, वो सत्ताधारी पार्टी में है, उसके बेटे भी हैं, और यहाँ तक कि मैंने चाहे गोरखपुर के जेलर हो, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हो, आईजी कारागार, तमाम जितने भी संबंधित लोग हैं, मैंने उनसे बराबर शिकायत की। यहाँ तक कि मैं नैनीताल हाई कोर्ट में मैंने एक पिटीशन भी फाइल किया जिसमें मैंने कहा कि अमरमणि जब हर उत्तराखंड का कैदी है तो उसको हरिद्वार की रोशनाबाद जेल में रहना चाहिए, ये बीआरडी मेडिकल कॉलेज में क्या कर रहा है? तो नैनीताल हाई कोर्ट ने आईजी कारागार देहरादून को ये निर्देश दिया कि आप 3 हफ्ते के अंदर इस मामले पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तो मुझे बड़ी हैरानी है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने ये रिपोर्ट किस तरीके से बनाई कि उन्होंने कहा कि अमरमणि का उत्तर प्रदेश में ही रहना न्यायोचित है, जबकि हमने कहा था कि कांड होगा, मर्डर होगा, क्राइम होगा और वही हुआ। क्या आप किस बात का डर आपको सता रहा है और अब आप क्या स्टेप लेने वाली हैं, क्या करने वाली? भाई देखिए, मेरी सुरक्षा एक आदमी केवल है और एक गनर जो था मेरे पास, जो वर्दी में रहता था, सुरक्षा का एहसास होता था। कहते हैं कि जब पुलिस की वर्दी होती है तो 100 मीटर कम से कम क्राइम आपसे दूर रहता है, कहते हैं ऐसा। तो उसे वर्दी ले ली गई, कार्रवाई ले ली गई, उसको सिविल ड्रेस में कर दिया गया। तो ये मुझे परेशान किया जा रहा है। और प्रकाश चंद पांडे जो मधुमिता हत्याकांड में उम्र कैद का दोषी है, दुर्भाग्य से उसको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, वो आदमी मेरे घर के आसपास रह रहा है, मेरे नंबर पे फोन करता है। मैंने तमाम लोगों को शिकायत भी की, जो संबंधित लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, कुछ नहीं हुआ। तो मुझे मेरी जान का बहुत खतरा है। मेरी मांग ये है कि कम से कम मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए, कम से कम जितनी थी उतनी हो जाए, और जो गनर को शैडो बना दिया गया, उसे वर्दी ले ली गई है, उसको वर्दी दे दी जाए और सारा कांड की निष्पक्ष जांच हो। अगर वो मुझसे मदद मांगेंगी, सीबीआई लगेगी, वो मदद मांगेगी, मेरे पास बहुत सारे पेपर हैं जिनसे उनको एक दिशा मिल सकती है, मैं पूरी मदद करूंगी। कैमरामैन मनोज मिश्रा के साथ अमिताभ आरुल, जी मीडिया, लखनऊ। लखनऊ में एक बार फिर वसीम रिजवी और कल्ब जवाद समर्थक आमने सामने आ गए हैं। वसीम रिजवी ने यह आरोप लगाया है कि जवाद समर्थक सीरिया जैसे हालात यहां बना रहे हैं। वहीं शबी फातिमा का यह कहना है कि वसीम रिजवी के गुर्गों ने महिलाओं को जख्मी किया है। आपको बताएं कि शादतगंज स्थित दरगाह पर दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई थी। ये बड़ी खबर, लखनऊ में एक बार फिर वसीम रिजवी और कल्ब जवाद समर्थक आमने सामने आ गए हैं और वसीम रिजवी ने यह आरोप लगाया है कि जवाद समर्थक सीरिया जैसे हालात यहां बना रहे हैं। जबकि शबी फातिमा जो जवाद समर्थक हैं, उनका कहना है कि वसीम रिजवी के गुर्गों ने महिलाओं को जख्मी किया है। शादतगंज स्थित दरगाह पर दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई थी, इसके बाद यह बयान सामने आया। होशियार मौत मामले में अब पुलिस अपने महकमे के आरोपी पुलिसकर्मियों के बचाव में उतर आई है। परिवार के आरोप के ठीक उलट पुलिस का यह कहना है कि चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिशों के दौरान होशियार की गिरने से मौत हुई है। जीआरपी के एसपी गोपेश नाथ खन्ना के मुताबिक होशियार कासगंज स्टेशन पर पानी लेने के लिए उतरे थे और इसी बीच ट्रेन चल पड़ी और चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगे। वो ट्रेन के गार्ड होशियार को चलती ट्रेन में चढ़ने से रोकते रहे, लेकिन होशियार नहीं माने और ट्रेन से पैर फिसलने पर वो ट्रैक और पहियों के बीच
फंस गए। कुछ अराजक तत्व स्टेशन पर ही जो लोग थे उन्होंने इनकी पत्नी और उनको भड़काना शुरू कर दिया कि ये सिपाहियों ने ही धक्का दिया है, जबकि सिपाहियों ने वास्तव में उनको निकाला था। जब उनकी पत्नी उन लोगों ने मांग की कि मुकदमा लिखा जाना चाहिए तो रेलवे स्टाफ और अपने स्कॉर्ट के स्टाफ इनके खिलाफ 304 का हमने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कल तक हमने पूरी विवेचना की। ट्रेन के जो गार्ड हैं उनकी भी लिखित रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है। जो डिब्बे में टीटी थे उन्होंने भी अपनी डायरी में नोट किया है कि अपनी गलती से गिरे हुए हैं, किसी ने उनको धक्का नहीं दिया है, और साक्ष्य हम लोग सब इकट्ठा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी होशियार सिंह की मौत मामले में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अब जांच के आदेश दिए हैं। एक जांच की बात आप सुन रहे थे और अब रेल मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। यहां जीआरपी के दो जवानों पर 200 रुपए की घूस नहीं देने पर होशियार को ट्रेन से फेंक देने का आरोप है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। समाजवादी पार्टी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे अपने खत पर प्रतिक्रिया दी है। देवेंद्र प्रताप की माने तो यूपी पीएससी में पिछले कुछ सालों में हुई भर्तियों की जांच अगर पीएम सीबीआई से करवाते हैं तो कई बड़े अधिकारी सलाखों के पीछे होंगे। देवेंद्र प्रताप सिंह ने और क्या कुछ कहा है यह आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री को चिट्ठी इसलिए लिखा कि उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तियों के चयन में एक कोलेजियम प्रणाली प्रधानमंत्री की पहल पर बनाई गई है। उस कोलेजियम प्रणाली में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है, महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है। ठीक उसी प्रकार पूरे सभी राज्यों के प्रदेश स्तरीय आयोगों में संघ लोक सेवा आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका, प्रभावी भूमिका होनी चाहिए ताकि धांधली को रोकी जाए, अक्षम और अयोग्य लोगों को चयन से रोका जाए और पूरे प्रदेश में अयोग्य और अक्षम लोगों की भरमार हो जाएगी। यदि सीबीआई जांच हो जाए तो सभी आयोगों के पदाधिकारी जेल की सलाखों के भीतर होंगे। आईएएस सूर्य प्रताप सिंह के वीआरएस मामले में शिवपाल सिंह का यह कहना है कि जो भी अधिकारी अनुशासनहीन हैं और शासन के आदेशों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ हमारी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। जो अनुशासनहीन अधिकारी और शासन के आदेशों का पालन नहीं करेंगे और जो अनुशासनहीनता करेंगे उनके खिलाफ हमारी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। कानपुर में स्टेट बैंक अधिकारियों की गलती से उर्मिला यादव नाम की महिला दुनिया की सबसे अमीर महिला बन गई है। महिला के खाते में 9,57,000 करोड़ रुपए जमा हो गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त। कानपुर की यूपी एसआईडीसी ब्रांच में महिला का अकाउंट है और जब महिला ने अपने पासबुक में एंट्री करवाई तो वहां 9,57,000 करोड़ से ज्यादा रूपये जमा होने की बात सामने आई है। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। ब्रजेश, आखिर क्या हुआ है इस महिला के अकाउंट में? क्या किसी गलती से इस तरह का अकाउंट, इतना बड़ा अकाउंट शो कर रहा है या फिर कुछ और बात है इसके पीछे? बिल्कुल, देखिए अजीत, मैं आपको बता दूं कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तकनीकी खामी है जिसकी बदौलत उसके अकाउंट में इतनी बड़ी रकम क्रेडिट हुई। जिस तरीके से इस महिला ने अभी कुछ दिन पहले ही अपना एक सेविंग अकाउंट खुलवाया था यूपीएसआईडीसी की स्टेट बैंक की शाखा पर, और यहां पर उसने 2000 रुपए से अपना अकाउंट खुलवाया, लेकिन 3 दिन पहले उसके अकाउंट पर एक एसएमएस आया कि आपके ऊपर 9,99,990 रुपए का बकाया है, यानी कि डेबिट हुआ है आपके अकाउंट से। वो हतप्रभ रह गई कि उसके अकाउंट में 2000 थे, उसने कोई ट्रांजेक्शन किया नहीं, तो आखिर डेबिट कैसे हो गया? और जब उसके लिए उसने अपनी पासबुक लेकर के भेजा कि आप एंट्री करिए कि मेरे उसमें कितना पैसा, मैंने क्या ट्रांजेक्शन किया है, तो जब एंट्री हुई तो और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, क्योंकि उसके जो अकाउंट में एंट्री हुआ है वो अपने आप में चौंका देने वाली रकम है। उसमें 95,711,000 अरब रुपए की संपत्ति उसमें जाके क्रेडिट हुई है। और जो ये निश्चित तौर पर एक बड़ी रकम है, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? अधिकारी क्या कह रहे हैं? देखिए, अधिकारी कह रहे हैं कि ये महज
क्योंकि आपके ट्रांजैक्शन आपके उसमें खाते में रकम कम थी और आपका ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता था, इसलिए उसमें एक होल्ड मैसेज भेजा गया और उसका कोई मतलब नहीं होता, वो महज एक वार्निंग मैसेज होता है कि आपके अकाउंट पे जो है आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, लेकिन ये महज बहलाने वाली बात है केवल, क्योंकि आप किसी भी खाता धारक के खाते में बगैर उसकी इजाजत के ना तो पैसा डेबिट कर सकते हैं और ना ही क्रेडिट कर सकते हैं। ऐसे में इतनी बड़ी रकम पहले आप जो है डेबिट दिखा रहे हो, लगभग 10 लाख की रकम आप दिखा रहे हो कि आपके खाते से निकल गया, आपने खाते से चलिए ये गलती है, ये सब जानने समझने में कुछ वक्त लगा होगा। उस बीच महिला की क्या स्थिति हुई, क्या प्रतिक्रिया थी उसकी? सबसे बड़ी बात यह है कि महिला का जो गारंटर जिसने इस खाते की गारंटी ली थी, उस महिला ने उसको बताया और वो जब पासबुक लेकर के पहुंचा और जैसे ही बैंक में एंट्री का अमाउंट देखा तो वो थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल अचरज में पड़ गया कि आखिर ये हुआ क्या, और इतना पैसा जितना शायद किसी ने कभी कल्पना में नहीं सोचा होगा, उतना पैसा उस खाता धारक की अकाउंट पे एंट्री हो चुका था, क्रेडिट हो चुका था। काफी देर समझने के बाद जब उसने बाकी सारे लोगों को बताया तो जिसने भी उस अकाउंट को देखा वो आश्चर्य पड़ गया, और उस महिला की हालत तो ये थी कि वो किंकर्द विमूढ़ वाली स्थिति में कि वो कुछ कह पाने की हालत में नहीं थी। एक तो उसको समझ में नहीं आया, एक मध्यम निम्न मध्यम परिवार की महिला, उसने इतनी रकम शायद कभी सपने में सोची वो गिन तक नहीं पाई। हमने उससे कहा कि आप गिन करके बताइए कि आपके पासबुक में कितनी रकम क्रेडिट हुई है, तो वो गिन तक नहीं पाई, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। ब्रजेश श्रीवास्तव बता रहे हैं कि कुछ देर के लिए जिसका अकाउंट था वो लोग कितने परेशान हुए, कभी खुशी कभी गम वाली स्थिति। जाहिर है इतनी बड़ी रकम एकाएक से अकाउंट में नहीं आ सकती, किसी न किसी तरह की गलती थी, लेकिन कुछ देर के लिए पूरा परिवार परेशान हो गया। इधर शाहजहांपुर से खबर है, गवाह कृपाल सिंह की हत्या का मामला जिसमें हत्या के खुलासे के लिए धरना शुरू हो गया है। आसाराम प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग को लेकर समाजसेवी फकीर लाल ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना शुरू कर दिया है और कृपाल की हत्या का 3 दिन में खुलासा न होने पर आमरण अनशन की धमकी दी है। संपत्ति है और मुझे तो अफसोस समाज को लोग आता है इतना बड़ा। और खबरों में बढ़ते हैं आगे, भैंस और बकरों के बाद अब यूपी पुलिस ऑपरेशन चांदनी पर पसीना बहा रही है। चांदनी किसी महिला या लड़की का नाम नहीं है बल्कि एक कीमती घोड़े का नाम है जिसके कातिलों की तलाश में पुलिस शिद्दत से जुटी हुई है, काम कर रही है। मामला इलाहाबाद के करेली थाना इलाके के बख्शी मोढ़ा गांव का है। यहीं रहने वाले शादाब और अफसाना ने 60,000 में सफेद घोड़ी खरीदी थी। आरोप है कि गांव के एक दबंग मुख्तार ने आपसी रंजिश के चलते घोड़ी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस ने परिवार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। औरैया में 24 छात्रों का भविष्य स्कूल प्रबंधन की वजह से अधर में फंस गया है। यहां के एक नामी स्कूल पर 24 छात्रों को हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की फर्जी मार्कशीट देने का आरोप लगाया। मामला दिबियापुर थाना इलाके के भगवतीगंज इलाके का है। यहां के हरे रामा हरे कृष्णा पब्लिक स्कूल पर फर्जी मार्कशीट देने का आरोप लगाया है। आरोप है कि स्कूल की मान्यता सीबीएसई ने रद्द कर दी थी। इसके बावजूद भी स्कूल प्रबंधन ने छात्रों का एडमिशन किया और अभिभावकों से मोटी रकम वसूल की। फिलहाल अभिभावकों की शिकायत पर स्कूल प्रबंधक और प्रधानाचार्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। मुरादाबाद में गरीबों के हक पर बड़ा डाका पड़ा है। यहां काशीराम आवास योजना में चौंकाने वाले घोटाले का खुलासा हुआ है। अधिकारियों की साठगांठ से गरीबों के लिए बनाया गया आवास न सिर्फ अपात्र लोगों को अलॉट हुए बल्कि उन्हें आगे किराए पर भी चढ़ा दिया गया। जिन लोगों को घर मिला है उनमें से ज्यादातर लोगों के पास अपना घर पहले से मौजूद है। मामला सामने आने के बाद डीएम ने 9 मजिस्ट्रेट की टीम बनाई जो इस मामले की जांच कर रही है। डीएम की माने तो गड़बड़ी पाए जाने पर आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीवीआईपी कोटे से यूपी के करीब 200 लोगों को हज जाने का मौका मिलेगा। पीएम के इस फैसले का कानपुर के काजी मौलाना आलम रजा ने स्वागत किया है। हालांकि मौलाना ने यह भी साफ किया है कि पीएम ने किसी को कोई सौगात नहीं दी है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और विदेश मंत्री के पास कोटा होता है और पीएम ने भी उसी कोटे के तहत लोगों को यह सौगात दी है। मौलाना ने कहा कि वाराणसी
पीएम का संसदीय क्षेत्र है और इसीलिए वाराणसी के लोगों को पीएम ने ज्यादा तरजीह दी है।